सोचिए, आप इंडिया में बैठे हैं और अमेरिका की खबरें सेकंडों में देख पा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में खेलता लाइव देख रहे हैं, वो भी कुछ ही क्षणों में। यह जादू कैसे होता है? असल में यह जादू नहीं बल्कि इंसानी कल्पना और मेहनत का नतीजा है। वायर्ड कम्युनिकेशन, वही तार, वही केबल जिन्होंने हमें पहले चिट्ठियों से टेलीफोन तक और अब इंटरनेट की दुनिया तक पहुंचा दिया। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि यह सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे इन तारों ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। यह सब एक खामोशी से शुरू हुआ। सदियों तक दूरी मानवता की सबसे बड़ी दुश्मन थी। एक चिट्ठी को कलकत्ता से लंदन पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे, अगर वह समुद्र में जिंदा बच पाती। परिवार को महीनों बाद मौत की खबर मिलती थी। कभी विचार की अधिकतम गति थी 35 मील प्रति घंटा, दौड़ते घोड़े की रफ्तार। यही थी सभ्यता की सीमा। 1815 में न्यू ऑर्लियंस की लड़ाई लड़ी गई। 1812 के युद्ध के खत्म होने के 2 हफ्ते बाद। क्यों? क्योंकि शांति संधि अभी भी अटलांटिक पार कर रही थी। फिर 1825 में एक आदमी की व्यक्तिगत दुर्भाग्य ने उस गति सीमा को तोड़ दिया। सैमुअल मोर्स अमेरिका के सबसे मशहूर पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे। वॉशिंगटन में पेंटिंग करते समय एक संदेशवाहक ने खबर दी, उनकी पत्नी बहुत बीमार थी। जब तक मोर्स घर पहुंचे वह पहले ही दफनाई जा चुकी थी। पीड़ा ने उन्हें अंदर से खा लिया, लेकिन एक सवाल गहरा जल रहा था, क्या एक संदेश मौत से भी तेज चल सकता है? उन्होंने कल्पना की एक भाषा की, एक सरल भाषा, बिंदु और रेखा, छोटी पल्स, लंबी पल्स, एक सर्वमान्य भाषा जो तारों के पार शब्दों को पहुंचा सकती थी। प्रतिभा को वास्तविकता में बदलना आसान नहीं था। तार टूट जाते थे, सिग्नल दूरी के साथ कमजोर पड़ जाते थे, निवेशक हंसते थे, महीने सालों की असफलता में बदल गए। ज्यादातर लोग हार मान लेते, मोर्स ने नहीं मानी। अल्फ्रेड वेल के साथ उन्होंने कोड को सुधारा और सर्किट को सरल बनाया। 24 मई 1844 को सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। स्थान था वॉशिंगटन सुप्रीम कोर्ट का चैम्बर। 40 मील लंबा तार वॉशिंगटन और बाल्टीमोर को जोड़ रहा था। मोर्स ने 4 शब्द टैप किए, वैट हैथ गॉड राउट। कुछ ही सेकंड बाद बाल्टीमोर से जवाब आ गया, दुनिया ने अभी अभी मानव सभ्यता की गति सीमा को तोड़ दिया था। उन क्लिकों से ही आज आप जिस पूरी डिजिटल दुनिया में रहते हैं वह बनी। सफलता ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, अगर बिजली 40 मील पार कर सकती है तो क्या वह 2000 मील पार कर सकती है? साइरस फील्ड वैज्ञानिक नहीं थे, वह कागज बेचते थे। 1854 में उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ खेला, अटलांटिक के पार एक तार खींचना। विशेषज्ञों ने कहा यह असंभव था, महासागर बहुत गहरा था, तूफान बहुत हिंसक थे। 1857, 300 मील बाद तार टूट गया, आज के 40 मिलियन डॉलर समुद्र तल में डूब गए। 1858, तार 22 दिनों तक काम किया फिर मर गया। क्वीन विक्टोरिया ने एक संदेश भेजा, फिर खामोशी। जनता ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें कहा केबल फूल। उनकी दौलत चली गई, लेकिन फील्ड ने दुगुने जोश से काम किया। उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा जहाज बनाया, नाम था द ग्रेट ईस्टर्न। इसमें 4000 टन वजनी 2500 मील का तार था। हर असफलता ने उन्हें कुछ सिखाया। समुद्र तल समतल नहीं था, मजबूत तार, बेहतर इंसुलेशन, अधिक लचीलापन। 1866, 5वां प्रयास। उन्होंने सिर्फ एक नया तार नहीं बिछाया, उन्होंने पुराने निष्क्रिय तार को भी खींचकर ठीक किया। जब क्वीन विक्टोरिया का संदेश सेकंडों में राष्ट्रपति जॉनसन तक पहुंचा, दुनिया सिर्फ सिकुड़ी नहीं, वह बदल गई। शिकागो में कीमतें तुरंत लंदन में मायने रखने लगी। गृह युद्ध की खबर यूरोप में रियल टाइम में पहुंची। 1914 तक पानी के नीचे की केबल्स सिर्फ संचार नहीं थे, वे हथियार थे। पहले विश्व युद्ध की पहली लड़ाई बंदूकों से नहीं लड़ी गई थी, वह वायर कटर से लड़ी गई थी। ब्रिटेन ने जर्मनी की केबल काट दी। अब दुश्मन के संदेश ब्रिटिश नियंत्रित तारों से होकर गुजरने लगे। हर टेलीग्राम रोका जा सकता था। 1917, ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स ने जिमरमैन टेलीग्राम को रोका। यह जर्मनी का प्रस्ताव था। कंट्रोल द वायर्स, कंट्रोल द वर्ल्ड, मतलब
तारों को नियंत्रित करो, दुनिया को नियंत्रित करो, यह 20वीं सदी का अटल नियम बन गया। दूसरे विश्व युद्ध ने इसे फिर से साबित किया। युद्ध आंशिक रूप से इसलिए जीता गया क्योंकि सही लोगों के पास सही तारों का नियंत्रण था। डॉट्स और डैश क्रांतिकारी थे लेकिन सीमित थे। क्या होगा अगर तार असली आवाजों को ले जा सकें? एंटोनियो म्यूची को सबसे पहले यह विचार आया। एलिशा ग्रे पेटेंट के लिए दौड़ रहे थे लेकिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जीत हासिल की। बेल का पहला टेलीफोन कच्चा और खतरनाक था। 7 मार्च 1876 बेल ने पेटेंट फाइल किया ग्रे से 2 घंटे पहले। 10 मार्च बेल से एसिड गिरा और वह चिल्लाए, मिस्टर वॉटसन यहां आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। वॉटसन ने तार के माध्यम से हर शब्द सुना। इंसान की आवाज ने दूरी पर विजय पाली थी। बेल ने बॉस्टन और न्यूयॉर्क के बीच लाइव बातचीत करके दिखाया। स्टॉक की कीमतें बढ़ गईं। बेल टेलीफोन अमेरिका की पहली टेक मोनोपोली बन गया। लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। हर किसी को हर किसी से कैसे जोड़ा जाए? पूरे अमेरिका में टेलीफोन फैल गया लेकिन अराजकता पैदा हुई। हर कॉल को एक मानव ऑपरेटर की जरूरत थी। नंबर प्लीज अमेरिका में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला वाक्यांश बन गया। 1900 तक 1 लाख ऑपरेटर हर रोज लाखों कॉल जोड़ते थे। 1927 पहली ट्रांसअटलांटिक कॉल 3 मिनट के लिए $75। 1956 पहली ट्रांसअटलांटिक केबल एक साथ 36 कॉल लागत $42 मिलियन। लेकिन तांबे की सीमाएं थीं। फिर आए फाइबर ऑप्टिक्स, तांबे के बजाय ग्लास के माध्यम से प्रकाश। 1988 पहली ट्रांसअटलांटिक फाइबर केबल एक साथ 40,000 कॉल। आज भी विश्व का लगभग 99% अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे उन्हीं रास्तों से गुजरता है जिन्हें विक्टोरियन इंजीनियरों ने कभी बनाया था। अभी जब आप इसे देख रहे हैं, आपका कनेक्शन 2 मील गहरे समुद्र के नीचे दबी हुई केबलों से यात्रा कर रहा है। अब प्रति सेकंड टेराबाइट्स डेटा ले जाते हैं। जब आप न्यूयॉर्क से लंदन एक संदेश भेजते हैं तो वह उपग्रहों से टकराकर वापस नहीं आता। वह प्रकाश की गति से पानी के नीचे के ग्लास फाइबर से होकर गुजरता है। तो अगली बार जब आप टेक्स्ट करें या कॉल करें, रुकें और सोचें। आप एक ऐसी विरासत का हिस्सा हैं जो 180 साल पहले शुरू हुई थी। यह इंसान की खुद को जोड़ने की कहानी है। यह साबित करती है कि सबसे महान खोजें सबसे गहरी भावनाओं से ही जन्म लेती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।